राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी के इस्तीफे के ताल्लुक से भिवंडी राष्ट्रवादी कांग्रेस ने एक एजिटेशन किया जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि शरद पवार जी अपना सिखाना पड़ेगा। क्या कहेंगे सर इस तरीके से इस्तीफा दिया है, उसके बाद आंदोलन किया जा रहा है, तो आपकी क्या राय है इसमें? क्या अगर कोई और राष्ट्रवादी पार्टी का अध्यक्ष बनता है तो क्या आप लोग इसमें सहमत रहेंगे? देखिए, एक बात समझिए, ये पूरी दुनिया जानती है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दूसरा नाम शरद पवार है, और अगर शरद पवार ही नहीं रहेंगे तो फिर पार्टी के वजूद का सवाल पैदा होगा। इसलिए हम सब आज जो इकट्ठा हुए हैं वो इसलिए उनकी मोहब्बत में, हमने पार्टी ज्वाइन की थी 23 साल पहले, सिर्फ शरद पवार की शख्सियत को देखते हुए। वक्तियत दोस्त हैं, दलित के कार्यकर्ता के भी दोस्त हैं, और सबका काम करने वाले इंसान हैं। मैंने बहुत करीब से शरद पवार साहब को देखा है, उनकी शख्सियत को देखा है, मैं मुतअद्दी दफ़ा उनसे मिला हूँ। तो शरद पवार की शख्सियत, उनकी लीडरशिप की आज जितनी ज़रूरत इस मुल्क को है, फिरकापरस्ती से लड़ने की बात हो या कोई और दूसरी बात हो, तो इसलिए हम सब इकट्ठा हैं कि आज मुल्क को उनकी बहुत ज़रूरत है, और इस मौके पर उनके हम सब यही डिमांड करते हैं, हमारी सब यही आग्रह है उनसे कि आप अपना इस्तीफा वापस लें ताकि पार्टी आगे बढ़ सके और पूरे मुल्क को एक नुमाइंदगी मिल सके। अरे आसिफ भाई, आवाज से शॉर्ट नहीं आया। पवार साहब ने पूरे महाराष्ट्र को सजाया है, सवारा है, और ये जो महाराष्ट्र का पवार साहब का जो स्थिति की खबर आई, सब लोग सदमे में है, पूरे कार्यकर्ता जो राष्ट्रवादी के वो सदमे में है। हम लोग चाहते हैं, हम लोग विनंती करते हैं कि आप आपका इस्तीफा वापस लो, और कार्यकर्ता को पूर्ण जोश से काम करने की आप ताकत देंगे, हमको लगता है। और पवार साहब ने जो निर्णय लिया है पूरे देश भर में उनके लिए ये पूछा जा रहा है, कार्यकर्ता के फोन आ रहे हैं कि पवार साहब का इस्तीफा वापस हो करके पूरे देश भर में उनके लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं, विनंती कर रहे हैं। हमको खुशी है कि पवार साहब आने वाले एक दो दिन में इस्तीफा वापस लेके हमको एक अच्छा सुखद धक्का देंगे। आपकी क्या राय है, वापस लेना चाहिए उन्होंने? मेरी नहीं है, पूरे महाराष्ट्र की राय है, और न सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता, बल्कि मैं समझता हूँ जो भी लोग महाराष्ट्र प्रेमी है, और जो भी लोग विकास प्रेमी है, और जो भी लोग शरद पवार साहब की जो विचारधारा उसको जानते हैं, आज वो सब, वो चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो सब दुखित है, और वो सब यही चाहते हैं कि किसी भी हाल में शरद पवार साहब का इस्तीफा कबूल नहीं होना चाहिए, और शरद पवार साहब के मार्गदर्शन में ही हम सब आगे काम करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि सभी पदाधिकारी एक मूड बनाकर, एक मन बनाकर इस्तीफा देने का काम करेंगे, और ये भिवंडी शहर वासियों के जो जज्बात है, पदाधिकारियों का जो जज्बात है, ये मैं आपके सामने जाहिर करता हूँ कि हम सब बहुत दुखी है, क्योंकि शरद पवार साहब ने अपनी 62 साल जिंदगी में, सियासी कैरियर में, उन्होंने हमेशा अकलियत का, किसानों का, मजदूरों का, बुनकरों का, और महिलाओं का, और शिक्षकों का जो ध्यान दिया है, मैं नहीं समझता किसी और नेता ने दिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि शरद पवार साहब अपनी जगह पे कायम दायम रहे और हमारा मार्गदर्शन करते रहे, बस ये विनती है।
बोलो भाई आप खाड़ी पार से आए हैं तो राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता हैं जी? आप राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता हो और उन्हें वापस लेना चाहिए। बिल्कुल, जैसे ही कल इस चीज का पता चला हम लोग खुद सब परेशान है कि हमारे अध्यक्ष साहब ने इस तरह डिसीजन लिया। हम नहीं चाहते कि हमारे अध्यक्ष साहब अपने पद से इस्तीफा दें। क्यों, क्या वजह है वो इस्तीफा ना देने का? वजह उनका जो नेतृत्व है आज हम लोग देख रहे हैं महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में, उनके नेतृत्व में एक जो जन सैलाब है उनको, उनसे बहुत सी आशाएं है और उस जन सैलाब को ऐसा लगता है कि उनके रहते हुए उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र और इंडिया एक डेवलपमेंट नेशन बन सकता है। मैं चाहता हूँ कि शरद पवार साहब कभी इस्तीफा नहीं दे। शरद पवार एक मेन रेड की हड्डी है, महाराष्ट्र की बुलंद आवाज है, उनको बच्चे जवान बूढ़े सब रिस्पेक्ट करते हैं। मैं नहीं चाहता ये कभी हो। पार्टी को बहुत दुर्लभ की बात है और हम इनके लिए यहाँ जमा हुए और ये प्रोग्राम इंशाल्लाह सक्सेस होना ही चाहिए। महाराष्ट्र की बुलंद आवाज, महाराष्ट्र की बुलंद आवाज। Thank you.